बहुत महीनों बाद नहाए हो गया। अगले ठंडी में इसी दिन इसी टाइम सेम डे सेम टाइम मौका नहीं मिलता है। पूरे एक साल बाद नहाए हो। मॉर्निंग गाइज, एक बार फिर से वेलकम बैक टू माई चैनल सोशल अवारा, और मैं हूँ आपका दोस्त राजदीप जायसवाल, और इस वक्त मैं हूँ बनारस की गलियों में गदोलिया चौक। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? खैर, इस वक्त तो मैं बनारस में हूँ, आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया था, मेरी आवाज़ इसलिए ऐसे निकल रही है क्योंकि यहाँ पे ठंड दबा कर है। अंधेरे में मैंने स्वेटर इसलिए पहना था कि ठंड हवा जो आ रही है मेरे आँखों को ना लगे, क्योंकि ठंड सच में बहुत है यहाँ पे। तो अभी कुछ 5:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं, गर्म गर्म कॉफ़ी चाय कुछ मिल जाए पियेंगे, उसके बाद नहाएंगे धोएंगे और फिर हम मंदिर के लिए निकलेंगे। क्या आपके यहाँ भी ठंड है? तो मुझे कमेंट करके बताइए क्या कहते हो। वैसे यहाँ पे तो सब सो रहे हैं, होटल के आसपास रेसिडेंशियल लोग हैं तो बेशक सो ही रहे होंगे यार, हमारी तरह थोड़ी ना उठ जाएंगे। तो देखते हैं चाय कहाँ मिलता है। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ खुला नहीं दिख रहा है। वो देख सामने दीदी चाय बना रहे, बट वहाँ चलते हैं, वहाँ पे धुआं धुआं दिख रहा है। चलो, जब से यूपी में कदम रखा हूँ धुआं धुआं ही दिख रहा है, कहीं फॉग दिख रहा है तो कभी चूल्हे का धुआं दिख रहा है। और चलते हैं, वो दिखा, वो देखो दूध वाला दूध लेके जा रहा है। अब हर महादेव बनारस की गलियों में। हाँ, तुम पहले आए हो ऐसे इस समय पे कभी? हाँ, नहीं आए हो, आया करो, आसपास रहते हो, बाबा की नगरी आओगे तो फिर सारी चिंताओं से मुक्त रहोगे भाई। यह है बनारस की रोड, 5:30 बजे, एक खुले चाय वाले भाई, कुल्लड़ चाय सुबह सुबह। नहीं, यहाँ पिए थे हम लोग। ठीक मेरे सामने काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसका एंट्रेंस दिख रहा है भाई। आहा, क्या आइए हम लोग चाय पीते हैं, ऐसी ठंडी में ऐसी गर्माहट को सिर्फ चाय ही दे सकती है। ए, बड़ा कम दोगे छोटा बड़ा? प्यासों को पानी की तड़फ और इस ठंडी में इस चाय की तड़फ। वो सही कहा है किसी ने, इश्क करो तो चाय से करो, क्योंकि ये जब चाहोगे तब मिलेगी आपको। ओह माय गॉड भाई, चाय की प्याली तो मिल गई, समझो आपके दिन बन गए, क्या कहते हो? शादियों का सीजन है और भीड़ देखो, ये सब बाराती है तो बेचारे दूल्हे को काटवा क्या है। सो गाइस फाइनली नहा के मैं आ चुका हूँ, करीब 7 बज रहे हैं, ठंड तो दबा के है, तो लेट्स सी, फटाफट पैकिंग करनी और निकलनी है हमें यहाँ से। चलिए फिर निकलते हैं फटाफट। Thank you.
सो गाइस फाइनली पैकअप हो चुका है यहाँ से होटल से, अब हम निकल रहे हैं। क्या बताएं, चलो आगे देखते हैं। चलो भाई चलते हैं। होटल से निकलने के बाद काफी हवा यार, एक्चुअली ठंड ठीक है यार, ठंड सह जाते हैं, बट कैसा जो हवा होता है ना वो बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि हवा ये सूरज की रोशनी ये गर्माहट दे रही है भाई। क्या कहते हो, एक बार चाय हो जाए वापस? मेरे पास अभी कुछ नहीं है, अभी अगर नॉर्मली ब्रेड हो जाए, ब्रेड मक्खन तो ठीक रहेगा। अच्छा चाय नहीं, तो मैं बोला दर्शन वैसे बोल रहा है कि भाई बिना खाए पिए दर्शन करेंगे, और तू एक बोलता है मक्खन ब्रेड लेके चलते भाई, खा के चलते भाई कुछ तो पेट में। हाँ तो चाय और मक्खन ब्रेड खाते हैं ना, क्या कहते हैं उसमें, चाय और मक्खन ब्रेड छानते हैं और फिर चलते हैं। ठीक है भाई, पहले आत्मा फिर परमात्मा, ऐसे लोग कहते हैं है ना। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, पहले आत्मा फिर परमात्मा, नहीं तो परमात्मा तो पहले है ही है। अब देखो अपने अपने भावनाओं की बात है, लेकिन जो भी है मज़ेदार है। हाँ और विक्की कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के? ये भाई साहब 12 के पहले आँख नहीं खोलते, मस्त भाई। हाँ संगत का असर है। जाने का गाली मत देना भाई, कि साला इतना सुबह सुबह उठा के ले गया था मुझे। हाँ देखो ये होता है अक्सर, मैंने देखा यूपी में भक्ति की सुबह सुबह चालू हो जाती है। देखो भक्ति की चल रही है भाई, आजू बाजू। हाँ चलिए फिर चाय और बटर मस्का खाते हैं, उसके बाद आगे निकलते हैं। करीब 7:30 बज रहे हैं, इसके पहले हम लोग चाय पीने आए थे 5 बजे के आसपास, 5:30, और अभी बज रहे हैं 7:30 है ना। तो देखो वहाँ पे ही मिलेगा, वहाँ पे खाते हैं और चलते हैं आगे पट से। ठीक है, वैसे आज फॉग कम है, कोहरा कम है, नहीं तो दिखाई नहीं देता सामने क्या है क्या नहीं है। हाँ अभी 2 घंटे बाद करीब 9 बजे के आसपास ये रोड पूरा ब्लॉक हो जाएगा, गाड़ियों से भर जाएगा पूरा। हाँ यहाँ पे भी ट्रैफिक बहुत है बनारस में, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो भाई बनारस नगरी है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। वैसे यहाँ नियर बाय समझो करीब 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको बस अड्डा और रेलवे स्टेशन मिल जाता है। एयरपोर्ट थोड़ा दूर है यहाँ से, एयरपोर्ट कितना किलोमीटर है यहाँ से? 30 किलोमीटर एयरपोर्ट है, तो कनेक्टिविटी है यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं, बट है। चले सामने आइए, वहाँ से चलेंगे, अरे यहाँ से चलो, वहाँ से चलो, एक ही बात है, आओ चलो। चलिए गाइस थोड़ा सा हल्का सा चाय और बटर मस्का खा के फिर आगे निकलते हैं। भाई ये रहा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, फाइनली बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, आपको आना है लंका, लंका से फिर यहाँ पे आप होटल वोटल बुक कर सकते हो, फिर यहाँ से गदोलिया आप मंदिर शिव मंदिर जा सकते हो करने के लिए। यहाँ से आपको शेयरिंग ऑटो 20 रुपीज़ 10 रुपीज़ में मिल जाता है। गदोलिया है यहाँ से लंका से करीब 4 किलोमीटर है, जहाँ हमें दर्शन करने के लिए जाना है। बड़े स्मार्ट लग रहे यार, बहुत महीनों बाद नहाए हो गया। अगले ठंडी में इसी दिन इसी टाइम सेम डे सेम टाइम मौका नहीं मिलता है, पूरे 1 साल बाद नहाए हो। क्या कर सकते, पानी कमी जो है यूपी में है ना, साले जहाँ देखो वहाँ गंगा जी कूद जाओ ना।
मुंबई वाले डेली नहाते हैं देखो, क्योंकि वहाँ पे ना नाले का पानी ठंड नहीं होती है। एक बार फिर से वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल अवारा, और मैं हूं आपका दोस्त राजदीप जायसवाल। और इस वक्त मैं हूं बनारस की गलियों में, गदोलिया चौक। अगर आप बनारस के किसी भी कोने में हो तो आप गदोलिया चौक आ जाइए, वहां से आपको यहां शिव मंदिर करीब 400 मीटर की दूरी पर मिलेगा, काल भैरव का मंदिर करीब 1.5 किलोमीटर पर, तो यहां से आपको सब कुछ नज़दीक मिलेगा। ये मैं चौक आपको दिखा देता हूँ, हाइट पे प्यारे से नंदी जी बैठे हुए हैं और उसके आगे आपको ये बोर्ड दिख ही रहा है, तो आप इसके थ्रू आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ये वो नज़ारा है, आप देख सकते हैं। तो हमें इस तरफ जाना है, तो जैसे ही आप गदोलिया चौक पहुँचते हैं, वहाँ से करीब 400 मीटर की दूरी पर मंदिर है, तो आप वॉक करके आराम से पहुँच सकते हो। ये आजू बाजू के नज़ारे हैं जो सब गुलाबी गुलाबी लग रहे हैं मुझे। हाँ, एक्चुअली आसपास के जितने भी बिल्डिंगें हैं, जो भी घर हैं, सब गुलाबी कलर के हैं। तो अभी कभी 8 बज रहे हैं करीब, और अभी सुबह सुबह इसलिए क्राउड थोड़ा कम है, अच्छी बात है। आराम से हम दर्शन करेंगे, उसके बाद हम बाकी के घाटों को कवर करेंगे, जाएंगे वहाँ पर विजिट करेंगे। सुबह की रोशनी थोड़ी मिलती है तो गर्माहट से फील होती है। विक्की कितने टाइम बाद आ रहे हो आप? 4-5 साल बाद। काम में सभी व्यस्त रहते हैं, जब बुलावा आता है किसी न किसी के जरिए लोग आ ही जाते हैं या खुद आ जाते हैं। रघुपति मंदिर, मानव मंदिर, ये सब हमें करना है। महादेव की नगरी, और यहाँ पे ये ना हो तो फिर कैसे चले। हाँ, बम बम बोले। सो गाइस, फाइनली महादेव के मंदिर आ रहे हैं। सो गाइस, ये रहा एंट्रेंस, चलिए चलते हैं। ये रहा आसपास के नज़ारे, क्या बात है, मिठाइयाँ और मिठाइयाँ और मिठाइयाँ। खैर, हम सुबह हैं तो दुकानें काफ़ी कम खुली है, नहीं तो ये सारी की सारी दुकानें खुली रहती हैं। सो गाइस, यहाँ पे फ्री लॉकर है। सो गाइस, यहाँ से आपको हर कदम पे लॉकर मिलेगा, फ्री लॉकर। यहाँ पे काफी सारे लोग आपको बुलाएंगे, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, बट आप अपने हिसाब से, आपको जहाँ ठीक लगे आप प्रसाद लीजिए, लॉकर में अपना सामान रखिए और दर्शन कीजिए, आपके ऊपर है। और अंदर है यार मंदिर, थोड़ा है ना, काफी अंदर है, अंदर चलेंगे उसके बाद देखते हैं, नजदीक रहेगा ठीक रहेगा। तो देखते हैं मंदिर कितना करीब, उतना करीब हम लॉकर लेंगे तो अच्छी बात है। बिना रखे नहीं जाएंगे क्या? हाँ, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे, बिना रखे नहीं जाएंगे तो। क्या कहते हैं?